जनपद के कलेक्ट्रेट सभागार में महेंद्र बहादुर सिंह जिलाधिकारी मैंत्री, अशोक कुमार राय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा ईशा प्रिया मुख्य विकास अधिकारी मैंत्री की मौजूदगी में नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष तथा सदस्यों की आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम किया गया। सभागार में मौजूद मुख्य अतिथि रूप में रामनेश अग्नोत्री ने कहा कि मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं तथा नवनिर्वाचित जिला पंचायत के तौर पर उसके सभी सदस्यों को बधाई भी देता हूं। उन्होंने कहा कि आप लोग आज के बाद केवल और केवल विकास कार्य में लग जाएं, गरीब की झोपड़ी को पक्का करने का कार्य करें, सड़क खरंजा नालियां गलियां आज सभी का विकास करवाएं। इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना भदौरिया के साथ इंद्र प्रकाश भदौरिया, आनंद प्रकाश भदौरिया, धर्मेंद्र भदौरिया, सुरेश सिंह चौहान, अनिल मिश्रा, श्यामवीर चौहान, रमेश चौहान, संदीप तिवारी, मनोज चौहान, आशीष भदौरिया, सुधीर कुमार यादव, सौरभ चौहान, गौरव चौहान, पंकज मिश्रा, दीपक जैन मंडल अध्यक्ष, रानेश तोमर, मोहन भदौरिया, गौरव चौहान, ब्रजेश भदौरिया, राघवेंद्र भदौरिया, राहुल चौहान, नीलकंठ शाके, मनीष परिहार, विनोद सिंह चौहान, देवेंद्र सिंह चौहान, पुष्पेंद्र सिंह चौहान, गोविंद भैया, आदित्य प्रताप चौहान, अर्चित भदौरिया, सचिन परिहार, सौर प्रताप सिंह चौहान, अर्जुन सिंह राठौर, माधव सिंह राठौर, भानु प्रताप सिंह चौहान, दीपू सिंह सिकरवार, अनुज प्रताप सिंह भदौरिया आज सभी समस्त जिला पंचायत सदस्य गणों को शपथ ग्रहण कराई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामनेश अग्नोत्री, कैबिनेट मंत्री सतीश शासन तथा विशिष्ट अतिथि दिनेश वशिष्ठ जिला प्रभारी, प्रदीप सिंह चौहान जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, आलोक कुमार गुप्ता क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, शिव ओंकारनाथ पचौरी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, अशोक सिंह चौहान पूर्व विधायक, नरेंद्र सिंह राठौर डीसीबी चेयरमैन, रामबाबू कुशवाहा पूर्व जिला अध्यक्ष, शिवदत्त पूर्व जिला अध्यक्ष, अरविंद तोमर पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की मौजूदगी में आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम किया गया। इसके अलावा प्रदीप प्रताप छोटे पूर्व जिला पंचायत सदस्य, भल्लू चौहान पूर्व ब्लॉक प्रमुख, सत्येंद्र कुमार दिवाकर नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख देवर आदि लोग मौजूद रहे। जनपद मैनपुरी के जिला मुख्यालय पर भारी मात्रा में पुलिस बल भी लगाया गया था। जनपद के कर्मठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार राय जी बहुत ही सक्रिय, विकास की गति को तेज करने वाली सीडीओ श्रीमती ईशा प्रिया जी, जिला अध्यक्ष श्रीमान प्रदीप चौहान जी, कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी, हमारे गृह क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान आलोक गुप्ता जी, जिले के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी और एटा जनपद के पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीमान दिनेश वशिष्ठ जी, हम सबके पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान शिवकारनाथ पचौरी जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीमान रामबाबू जी कुशवाहा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीमान अरविंद तोमर जी, श्रीमान सरभ भदौरिया जी, और इस सभागार में हमारे सभी नव निर्वाचित जिन्होंने आज शपथ ग्रहण किया है, ऐसे सभी मान सभी जिला पंचायत के सम्मानित सदस्यगण उपस्थित देवी और सचिव, देश के और प्रदेश के इतिहास में पहली बार जिला पंचायत पर निर्वाचित अध्यक्ष ये हमारी पार्टी का बना है। बहुत सदस्य भी जीते, मैं आज के अवसर पर सबको शुभकामनाएं देता हूँ और इतना ही अनुरोध कर रहा हूँ, बहुत लंबा बोलने का विषय आज नहीं है। चुनाव में तमाम तरह की कटता पैदा होती है, किसी ने समर्थन किया होगा, किसी ने विरोध किया होगा, किसी ने वोट दिया होगा, किसी ने नहीं दिया होगा, लेकिन इन सब चीजों को भूल कर केवल एक ही लक्ष्य पर, एक ही टारगेट पर
हमें जनपद का विकास करना है। नए ब्लॉक प्रमुख भी निर्वाचित होकर आए, कई यहाँ बैठे भी हैं, मैं उनको भी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। और सबसे एक ही प्रार्थना करते हैं कि हम सबको, प्रदेश की सरकार को, जिले की जिला पंचायत को, ब्लॉक के हमारी टीम को, सबको मिलकर एक लक्ष्य, एक टारगेट की ईमानदारी से विकास की गति को हमें तेज करना। जहाँ सड़कें नहीं है, जहाँ रास्ते नहीं है, जहाँ पानी भरता नालियां नहीं है, जहाँ पीने के पानी की सुविधा नहीं है, जहाँ बिजली की कोई समस्या है, गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, बेरोजगार नौजवान, आदिवासी वनवासी गिरवासी हमारे जनपद में नहीं है, लेकिन गरीबों की सेवा सभी संस्थाओं को मिल सकती। प्रदेश की सरकार को, जिले के हमारे प्रशासन को, जिला पंचायत को, ब्लॉक के हमारे सभी लोगों को मिलकर ये सेवा के काम में जुटना है, क्योंकि हमारा नारा है सेवा ही संगठन, सेवा हमारा संकल्प। और विकास के इस गति को, इस पहिए को जितना हम तेज करेंगे, उतना ही हमारे जनपद का विकास तेजी से होगा, हम सब सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मैं पुनः सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और विशेषकर अपने जनपद के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सीडीओ साहब, इनको विशेष रूप से बधाई देता हूँ कि जिस तरह से ईमानदार, निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव जनपद में संपन्न कराने का कार्य किया है, कोई उंगली कोई शिकायत नहीं आई है, एकदम शांत पूर्वक और निष्पक्ष ईमानदारी से जो निर्वाचन हुआ है, उसके लिए मैं जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद सबका, उन्हें सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत आभार। निर्वाचित अध्यक्ष महोदय को बहुत बधाई, क्योंकि महिला निर्वाचित हुई है इस बार का बहुत हर्ष है हम सभी को, और आशा है कि आप बहुत अच्छा कार्य करेंगे अगले 5 साल। अंत में मैं पुनः सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी इस कार्यक्रम में आए और इस शपथ ग्रहण समारोह को इतने अच्छे तरह से संपादित किया जा सके। धन्यवाद। स्थापित भारत के संविधान को प्रति सच्ची श्रद्धा से निष्ठा रखूंगी, मैं भारत की कृतता और अखंडता रखूंगी तथा सदस्य के रूप में कर्तव्यों का आह्वान करूंगी तथा सदस्य के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वाह करूंगी। धन्यवाद।